हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग है जी, मेरा कार के ऊपर ही है और कार का ये आखिरी व्लॉग होगा आई थिंक, क्योंकि आज हम निकालने जा रहे हैं एवरेज, इसकी माइलेज। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले बोला था आपको, लेकिन मैं नहीं निकाल पाया था किसी वजह से, लेकिन आज इसकी CNG की टैंकी खाली है, तो मैं अप्रोक्सीमेट देखता हूँ 4 से 5 किलो CNG डलवाऊंगा और फिर हम इसके एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, चलो हम CNG डलवाते हैं। और इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बताऊंगा कि CNG गाड़ी को कैसे चलानी चाहिए, तो वो आप सुन के बेशक वीडियो को स्किप कर देना, लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी अगर आप इसको पूरा देख लोगे तो। ठीक है, ये देखो जी फ्रेंड्स, CNG की टंकी बिल्कुल खाली है और पेट्रोल थोड़ा बहुत पड़ा है, और अभी मैं CNG डलवा रहा हूँ, सिर्फ 4 या 5 किलो डलवाऊँगा और हम एवरेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल खाली है। ठीक है, ऊपर पेट्रोल आया पड़ा है। ये देखो जी 4 किलो 64 ग्राम आई है, और अभी मुझे इसे CNG पे करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल पे चल रही थी ना, ये CNG पे कर दिया, और इसका जो ए वाला मीटर है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं। 182 लिखा हुआ ना, ये ज़ीरो हो गया। ये बी की रीडिंग भी ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, और ये 24,288 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, और अब हम चलते हैं जी, इसकी एवरेज निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी, CNG डलवा ली, इसके अंदर CNG आई है जी अप्रोक्सीमेट 353 रुपीज़ की, 4 किलो 64 ग्राम। ठीक है, 64 ग्राम, तीन किलो 64 ग्राम इसके अंदर CNG आई है, और हमने मीटर भी दोनों ज़ीरो कर लिए है। ठीक है, अब इसकी माइलेज का पता चल जाएगा। AC चल रहा है और इसको मैं लगभग 100 पे 110 पे 90 पे इस हिसाब से चलाऊंगा। NH7 पे हूँ मैं, तो इस पे आपको पता ही, अभी कभी धीरे होती है कभी तेज होती है, तो इस हिसाब से इसकी एवरेज निकल जाएगी। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास CNG की गाड़ी है ना, तो उसके बीच में आपको एक काम करना है कि CNG पे जब आप चलोगे घर से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हो, तब आपको हमेशा पहले 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर इसको पेट्रोल पे चलाना है, और जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, तब डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले 10 से 15 किलोमीटर इसको पेट्रोल पे चलाना है। इसके बीच का जो सफ़र है ना, वो सिर्फ आपने CNG पे करना है, अगर आपने अपनी कार की लाइफ लेनी है, कार की इंजन की लाइफ बढ़ानी है तो। ठीक है, क्योंकि ये CNG है जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, आपको पता ही होगा, और ये ड्राई गैस होती है, सूखी गैस होती है, जिसको देसी भाषा में बोल देते हैं हम, जो कि इंजन को सूखा रखती है। अगर हम स्टार्ट चलेंगे कहीं डेस्टिनेशन पे, तो हम पेट्रोल पे चलाएं और ख़त्म होने से पहले पेट्रोल पे करेंगे ना, तो वो इंजन स्मूथ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जो मुझे जितनी का नॉलेज थी मैंने आपको दे दी है, और अभी आई थिंक 150-100 किलोमीटर रह गया, 100-120 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और साथ में एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं कितनी एवरेज निकलती है। अभी तक ये 70 किलोमीटर चल चुकी है और CNG इसके अंदर पड़ी है, मेरे हिसाब से ना ये 30 किलोमीटर अभी और चलेगी, 71 किलोमीटर हो गया अभी तक, बाकी देखते हैं क्या एवरेज निकलती है। मेरे हिसाब से, मैंने तो पहले निकाली हुई है, तो 25-25 की आई थी, बाकी देखो अभी दिखाता हूँ आपको। अभी तक ये 92 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी तक CNG ख़त्म होने का कोई साइन भी नहीं आया, क्योंकि उसके साइन आने के बाद आई थिंक 10 से 15 किलोमीटर तो चलती है, देखते हैं वो साइन कब आता है।
पूरी 99 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक सीएनजी पड़ी है इसमें। ये लो जी 105 किलोमीटर चल चुकी है और बस अभी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में हो जाएगी। ये लीजिए जी सीएनजी खत्म हुई है 108.7 पे, मतलब कि 109 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ जी 109 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 4 किलो 64 ग्राम सीएनजी पे, तो लगभग इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 27 के आसपास एवरेज निकल चुकी है। ठीक है, अब तक की ये मेरी हाईएस्ट एवरेज है, क्योंकि अब तक इतनी मेरी कोई निकली नहीं है एवरेज, 25 26 24 के आसपास निकलती है, तो लगभग 27 की एवरेज निकल चुकी है, 26-27 की मान के चल लो, मैं सीएनजी पे आर्टिका VXI एवरेज दे देगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू।